Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Good morning, सुप्रभात आप सभी को. आप सभी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे. तो भाई आज मॉर्निंग में हस्बैंड की फ्लाइट, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं वो बाहर, तो मतलब सारी जिम्मेदारियाँ मेरे इन कंधों पे छोटे छोटे. तो बस अभी हम बना रहे थे, थोड़ा सा बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रहे थे और इधर मैंने रखी हुई है ब्लैक टी, हमारी ब्लैक टी, और यहाँ पर प्याज भुन रही है क्योंकि हम बना रहे हैं प्याज की यानी पनीर भुर्जी. और यहाँ पर चीज़ निकाल के रखा है. राघव के लंच बॉक्स में देना है मुझे चीज़ का पराठा क्योंकि वो पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, सिद्धि का चल जाता है और हस्बैंड भी खा लेते हैं. बस राघव कहे रखड़े कि वो पनीर नहीं खाते हैं, तो बस अभी चल रहा है और हस्बैंड निकल जाएंगे तो बच्चों को अकेले मिलकर के हमको रेडी करके स्कूल भेजना है ना. तो आज थोड़ी सी भागदौड़ वाली सुबह हुई है तो बस अभी चलते हैं, लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं, फिर बच्चों को उठाते हैं. बस ये सारी कर, ये हमारी गर्मा गर्म लेमन टी बन करके तैयार है और चलते हैं अभी पीते हैं आराम से बैठ करके फिर आगे का काम. हम और राघव जा रहे हैं स्कूल, आज हम भी जा रहे हैं राघव के साथ. तभी हस्बैंड भी चले गए, उनकी भी फ्लाइट थी 10 बजे की, बट लेकिन एक दो घंटे पहले ही चेक इन करना रहता है तो सारे वो निकल गए थे 8 बजे घर से निकल गए थे. फिर बच्चों को स्कूल छोड़ा और अभी हम बैठे हुए हैं, चाय वगैरह पी ली थी हस्बैंड के साथ ही. अभी हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद स्टार्ट होंगे सारे काम. तो बस अभी कुछ दिन अकेले सरवाइव करना है. एक्चुअली मेरी अकेले रहने की आदत भी हो गई है, हस्बैंड का इतना ज़्यादा टूर रहता है ना, इतना ज़्यादा टूर रहता है कि जब वो घर पर रहें तो थोड़ा ये लगता है कि हाँ है, वरना फिर मतलब कि फिर निकल जाते हैं तो फिर कोई वो नहीं रहता है. आते एक हफ्ते, मतलब एक एक हफ्ते का टूर एक एक जगह का, तो बस ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही लाइफ चल रही है. तो बस अभी निकल गए हैं वो, फिर आएंगे और फिर जो है हम लोगों का प्लान ही है बाहर ही जाने का. तो बस यही सब है लाइफ में, ऐसे ही लाइफ चलती रहती है. तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सारे काम और ऐसे ऐसे बहुत ही भाग दौड़ है. अभी बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना रहेगा. तो यार राघव को लेकर के स्कूल से वापस आ रहे थे ना, मुझे देख करके इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था. मतलब मॉर्निंग में जाते समय ना तो थोड़ा सा वो होकर के जाता है, चिपका रहता है और फिर ऐसे ना थोड़ा सा टाल मटोल करता है, लेकिन वापसी में एकदम फुल एक्साइटमेंट के साथ आता है. इवनिंग में बैठ करके ना थोड़ा सा इसके लिए ना मैजिक बुक मंगाई थी, मतलब वो आजकल चल रहा है ना कि लिखो फिर कुछ देर के बाद वो इंक गायब हो जाती है, तो बस वही मंगाया था, उसी पर वो लिख करके प्रैक्टिस कर रहा था. ठीक भी है एक तरह से, बुक मतलब आपकी चलती ही रहती है, वो कुछ देर बाद क्योंकि सूख जाती है और बच्चों की प्रैक्टिस भी होती रहती है. देखो कितने सामान फैलाए हुए हैं बच्चों ने ना, बहुत सामान फैलाए हुए हैं, मतलब इन लोगों की वजह से ना तो आप कहीं पर भी क्लीननेस रख ही नहीं सकते हो. तो बस डिनर बनाने का टाइम हो गया था और हम थे किचन में. आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मतलब बनाए तो बनाए क्या. अच्छा ये भी होता है ना कि जब आप अकेले रहो, मतलब कोई ऐसा हस्बैंड वगैरह या कोई और नहीं रहता खाने में ना, तो वो समझ में नहीं आता है क्या चीज़ बना लें झटपट और क्या ऐसा. तो मेरा तो कभी कभी काम चल जाता है ना, पहले ऐसा करते थे हम कि मैगी वगैरह बनाकर ही काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, कुछ हेल्दी खा लिया जाए. तो फिर बस हमने आज बनाए इतना थोड़े से ऐसा सोयाबीन वाले ना राइस, मतलब सोयाबीन को फ्राई करके राइस को फ्राई करके कुछ ऐसा पुलाव टाइप का बना लिया था, बस वही चल गया था. तो और वही बच्चों को भी पसंद आया था, मटर वगैरह भी डाल दिया था, सोयाबीन भी थी, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी थी, तो ये सब खाया पिया. और फिर कुछ ड्रिंक पीने का मन किया तो हम लोगों ने बना लिया था नींबू पानी का शरबत आइस वगैरह डाल करके, बहुत ही टेस्टी लगा. तो बस यही सब था, खाना पीना किया, किचन वगैरह क्लीन किया और फिर सोने चले गए. तो बस अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब कुछ करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और हाँ कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगता है आपको. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय.